आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। अपने पापा के कातिल की तलाश में हो, अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ। तुम कहां थी शर्मीन? काफी देर से ढूंढ रही हूं। वो मैं जमरुद मैडम के मेहमानों के लिए कुछ खास तैयार कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो लिफाफा किसने दिया था? मुझे नहीं पता लाले मैडम, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस ये कहा कि मैं इसे लाले मैडम को दे दूं। शुक्रिया तुम्हारा। चिनार कहाँ है? हम साथ बाहर जाएंगे। वो वहाँ बैठा अपनी सास से बातें कर रहा है। क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, यास्मीन को काम पर ले जा रही हूँ। ओके, मैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी। तुम तैयार हो लाले? चलो चलते हैं। ये मुनासिब है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम पे भरपूर तवज्जो दोगी और हम सबको कभी मायूस नहीं करोगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूंगी और मैं साबित कर दूंगी कि आपने मुझे अलगाज का हिस्सा बनाकर कोई गलती नहीं की। बस अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करना। मैं जा रहा हूँ, चिनार बाद में आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिस्टर नजीब के ऑर्डर्स इतनी खामोशी के साथ मान रही हो। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। हम जा रहे हैं। और अंकल? ओहो, वो तो पहले ही जा चुके हैं। ओके, एक जरूरी मीटिंग पे पहुँचना है, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटी। कारोबारी जिंदगी में खुशकिस्मती तुम्हारे साथ रहे। ओह मम्मी जान, दुआएं सिर्फ कारोबारी जिंदगी के लिए हैं? जब नतीजे का पता चल जाए तो मुझे कॉल करना। ओके मॉम, सी यू। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, क्या तुम इनकी कॉपी बनाकर मिस्टर नजीब और मिस्टर चिनार को दे सकती हो? जी ठीक है। क्या मिस्टर नजीब हैं? वो अभी नहीं आए। और मिस्टर मेहमत हैं? कंपनी का कोई भी वर्कर नहीं आया है। ओके थैंक्स। मुझे कंपनी के बारे में बहुत तजस्सुस है, कैसी जगह होगी ये बहुत ही अहमकाना सवाल किया है मैंने। यकीनन हर जगह कालीन बिछे होंगे और हर जगह बदसूरत रंग की पेंटिंग्स लगी हुई होंगी। लाले? हाँ? कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? मेरी फिक्र ना करो, जॉब की बात करते हैं। हो सकता है कि बिजनेस लाइफ ऐसी ना हो जैसा कि तुम तस्वीर कर रही हो सकता है तुम्हें स्टार्ट में मुश्किल पेश आए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। प्लीज मॉम की तरह बातें मत करो लाले, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और ये मेरा पहला तजर्बा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मेलिस की शादी के ड्रेस की डिजाइनिंग की थी। तो उसका क्या हुआ था? फिक्स कर लिया सब मैंने। मॉम के प्रेस वाले बयान ने काम कर दिखाया, फिर मेलिस ने अपनी मॉम को पटाया और हमने शादी के जोड़े की सिलाई करने दे दी। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये तो बस शुरुआत है, पहले शादी का ड्रेस, फिर टेक्सटाइल बिजनेस। मेरा ये स्टाइल सबके लिए राहें खोलेगा और मैं सबसे डिफरेंट होंगी। ये साल सिर्फ मेरा होगा। मुझे बहुत फख्र है तुम पर, मुझे यकीन है तुम जो चाहो कर सकती हो, बस मेहनत से काम करना। सर मिस्टर हालो आए हुए हैं। हाँ हाँ। यस प्लीज।
थैंक यू। वेलकम। खुश आमदेद मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और तुम तो देख ही रहे हो कि रिटायरमेंट मेरे लिए कितना बुरा साबित हुआ है। बैठो प्लीज, दो कप कॉफी भिजवा दें। यस सर। कैसा जा रहा है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? आप पहली फर्द हैं जो इसे देखेंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तुम बहुत अच्छे हो और इन तस्वीर के प्रिंट आउट का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं कैसे बताऊं, ये बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इनकी तरफ देखो, जब ये लोग माथे पर देवरी डालते हैं तो बहुत संजीदा लगते हैं। ये मुझे हंसने पर मजबूर करती है। मुझे उनकी संजीदगी का तो पता नहीं, मगर आपने जो उन लोगों की वजाहत पेश की है उस पर हैरत है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है? मैडम, आप जब इसे खोलेंगी तो देखेंगी। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए, तुम इसके एक एक पाई के हकदार हो। असल में मुझे तुमसे और भी अच्छी तस्वीर की तवक्को थी। उन पर जासूसी का काम जारी रखो। जैसी आपकी मर्जी। मैं इस हवाले से तजस्सुस पे हूँ कि तस्वीर देखने के बाद उन सब लोगों का मुंह आखिर कैसा बनेगा। चाय पियो। ये बहुत अहम कदम है हमारे लिए कि हम लोग इटली में हुई टेक्सटाइल नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। हमें जल्द सारे जरूरी काम निपटाने होंगे। मेरा ख्याल है कि मिस्टर महमद गुज़िश्ता रात इन रिपोर्ट्स पर काम कर चुके हैं। आप चाहें तो मिलकर उनके साथ एक रिपोर्ट तैयार कर लें। आप क्या कल रात की बात कर रही हैं? मैं कल रात यहीं पर था। मैंने वो सारी रिपोर्ट्स तैयार कर ली, मगर मुझे सर महमद कहीं ऑफिस में नजर ही नहीं आए। आपको यकीन है? जी हाँ रियान मैडम, मैं सही कह रहा हूँ। मैं मिस्टर महमद के कमरे में फाइल लेने गया था, मगर वो वहाँ नहीं थे। ओके, बात को जारी रखते हैं। तो तुम चिनार को क्या कहने जा रहे हो? तुम कह देना कि तुम तलाश कर रहे हो। वो पूछेगा नहीं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो मुझे अक्सर कहता है कि मैं तशक्रांस फैमिली के घर जाता रहा हूँ। तो फिर तुम किसी और दिन आ जाओ, हम लोग डिनर साथ साथ करेंगे और कुछ अहम बातें भी करनी है। मुझे फौरन मीटिंग रूम में पहुंचना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसके फौरन बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यास्मीन, तुम मेरे कमरे में इंतजार करो, मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाए। अच्छा ठीक है अंकल। ये ऑफिस है, घर नहीं। बाद में मिलते हैं। ठीक है मिस्टर चिनार। लाले, ये जगह एकदम परफेक्ट है। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगी। जाना किस तरफ है? उस तरफ। ओके। मैंने एक बार एक बूढ़े शख्स से कहा था कि मैं छींटे उड़ाऊंगी, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। ऑसम। यही वो परफेक्ट जगह है जहां मुझे काम करना था। क्या मिस यास्मीन, आप हैं? जी मैं हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। चलें, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। मेरा कमरा? बिल्कुल। प्लीज विश मी लक लाले। गुड लक मेरी प्यारी बहन। किस तरफ? आइए मेरे साथ। लाले। मेरे मेहमान नहीं पहुँचे, मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? तुम्हारे रूम में चलें? मेरे कमरे में? आओ चलें। आइए प्लीज। मेरा ख्याल है कोई गलती हुई है आपसे। मेरे लिए तो एक कमरे का बंदोबस्त होगा। मुझसे यही कहा गया था मिस यास्मीन कि आप दूसरे डिजाइनर्स के साथ काम करेंगी। वो रही सामने आपकी सीट। माफ कीजिएगा, आपको ये हिदायत दी किसने है? चिनार सर ने कहा था।
नॉट पॉसिबल। हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो मुझसे? चिनार, सुबह मुझे ये लिफाफा मिला। क्या तुम अपने डैड के कातिल की तलाश में हो? इर्द गिर्द पर नजर रखो। तुम्हें क्या लगता है कौन ये कर सकता है चिनार? कौन हमसे इस कदर नफरत कर सकता है चिनार? और इसका क्या मतलब है कि इर्द गिर्द नजर रखो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। अब तो अपनों पर से भी भरोसा उठ गया है। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सिर्फ मुझ पर। मैंने गुज़िश्ता सारा दिन कंपनी के मामलात को निपटाने में गुजारा। तुम्हारी कॉफी भी नहीं पी सका मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब है, वो रात सिर्फ मेरे लिए ही अहम थी, तुम्हारे लिए उस रात की कोई अहमियत नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमत, तुमने टेक्सटाइल नुमाइश के लिए रिपोर्ट लिखी है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऑफिस में सुबह तक काम करते रहे हो। हाँ, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ रेहान। तुम लोग अकेले में बात करो, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम बैठो। जब मेरे कजिन मेरे पास होते हैं तब भी मैं आसानी से अपने मामलात पर बात कर सकती हूँ, है ना मेहमत? जब तुम रिपोर्ट्स पर काम नहीं कर रहे थे तो फिर तुम कहाँ थे? उस रात हम लोग साथ थे। वाकई में? हाँ, हम लोग फैक्ट्री गए थे। हमने वहाँ नए सैंपल लिए, इसीलिए मुझे कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिला। मैं क्या कर सकता था? अच्छा, मुझे पता था कि तुम कर रहे हो, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम फैक्ट्री चले जाओगे। अच्छा, वो मिस्टर इंजन उसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, जाकर मिल लो। चलो फिर हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी तुम? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या ये बुरी बात नहीं है कि कॉन्सर्ट में जाओ और थोड़ी सी पी लो? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, हमारे एहसासात एक दूसरे के लिए हैं। जो भी हो, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। तुम्हें पता है वो तस्वीरें ले आया है? तो तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने कोई अंदाजा नहीं किया था इकराम, मैंने मुशाहिदा किया था। मैंने देखा कि मेहमत लाली की शादी में उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। मेरा तजुर्बा कहता है कि जो लोग करीब होते हैं वही जख्म देते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, सिर्फ जीतती हूँ और मजे से सबका तमाशा देखती हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करोगी? क्या डिनर पे ये सारी तस्वीरें उनको दिखा दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है ग्राम, हर चीज का एक वक्त होता है। सबसे पहले तो हमें ऐसा सबूत तलाश करना चाहिए जिससे वो कभी इनकार न कर सकें, और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। हाँ, कैसरी की क्या खबरें हैं? मुस्तफा जा चुका है, अलगाज की हर तरह से तफ्तीश कर रहा है। वो दोस्तों से, वाकिफकारों से, रिश्तेदारों से पूछ रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम क्या समझते हो कि इस खानदान की तारीख बिल्कुल बेदाग होगी या पारसा होंगे? मुझे यकीन है कि माजी के हवाले से इनके सारे राज मौजूद हैं, बस उनको तलाश करना है, और ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, और मैं इन चीजों को आराम से हैंडल कर लूंगी, मुझे पता है। ऐसा है तो बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम मुस्तफा से कहो वो मुझे रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दे।
रोजाना। भाई यास्मीन ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। उसने एक ऐसा ड्रेस डिजाइन किया जो कि हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट है। वो बहुत एक्साइटेड थी, पता नहीं पहले रोज क्या करेगी। लाले उसके बारे में फिक्र मत करो, मैंने उसको कंपनी के एक्सपीरियंस तरीन लोगों के साथ रखा हुआ है। वो चाहे तो एक अच्छी डिजाइनर बन सकती है, और अगर वो नहीं चाहती तो आसानी से अपनी जॉब छोड़ सकती है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, आखिर उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है, वो तो काम के लिए एक्साइटेड है। लाले हो सकता है ये सिर्फ उसका वक्ती शौक हो, यानी कि मे बी वो अपने फ्रेंड्स को देख रही हो जो सब काम कर रहे हैं और वो सिर्फ शौक में कर रही हो। मैं समझती हूँ कि यास्मीन बहुत अच्छी बिजनेस वुमन होगी इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस आजगी, तुम यकीनन यास्मीन हो। हे हेलो हनी, मैं अजगी, अलगाज होल्डिंग की हेड डिजाइनर। ओ फिर तो हम साथ काम करेंगे, अच्छी बात है। सबके साथ नहीं, तुम मेरे साथ काम करोगी, तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, समझी तुम? Really? मैं वो काम ही नहीं करती जिसका हुक्म मुझे कोई और देता है हनी। फिर तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए पहली बार होगा, तुम अपनी लाइफ में एक नया तजुर्बा हासिल करोगी। Well, जो भी हो मैं तुम्हें अपने अमेजिंग डिजाइन दिखाऊंगी और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बनाना है। तुम कुछ नहीं बनाओगी। तो फिर मैं करूंगी क्या? तुम्हारा काम ये है कि तुम फैक्ट्री और सेल्स डिपार्टमेंट के दरमियान प्रोडक्ट्स की गिनती का मुवाजना करोगी। मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक सेक्रेटरी भी नहीं। ये क्या बकवास है, मैं जाकर चिनार से अभी बात करती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप गलती से मुझे कुछ और ही समझ बैठी हैं। ओ नहीं, मैं समझ रही थी तुम यास्मीन तश्करान हो, मैं प्रेस के जरिए तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ। ठीक है डियर, समझ गई तुम। बहुत बातें हो गई, अब जाओ जाकर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से फाइलें लो और उनका मुताला शुरू कर दो, फिर बताना मुझे। मेरी बात सुनो, डिजाइन तो देखे नहीं तुमने मेरे? मैं बहुत बिजी हूँ यास्मीन, मेरे पास जाया करने को एक भी मिनट नहीं है। फिर ये कि अगर तुम मेरी तवज्जो चाहती हो तो सबसे पहले मुझे अपना काम दिखाओ। आपका बच्चा सेहतमंद है। ये सेहतमंद है? कितना छोटा है, और मुझे वजह भी मालूम है, उसकी माँ ना कुछ खाती है ना पीती है, इतनी कमजोर सी है। तुम किस किस्म के डॉक्टर हो, किसने डिग्री दी थी तुम्हें? सेहत देखिए जरा इसकी, आप देखिए, देखिए जरा खुद देखिए, आप कहीं से लग रही है तुम्हें ये प्रेग्नेंट? अम्मी डॉक्टर कह तो रहे हैं बच्चा सेहतमंद है, और क्या चाहिए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है इकबाल मैडम, लाले काफी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है, जो करना चाहिए वो करती है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि लाले जिम्मेदार है डॉक्टर? आराम ये नहीं करती, घर पे ये नहीं टिकती, सारा दिन घूमती फिरती रहती है, दवाइयाँ भी नहीं लेती। वो क्या है वो, ओहो क्या नाम है उसका, वो फोलिक एसिड? अम्मी क्या? अम्मी मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम खुद इसकी दवा ना खाने की शिकायत नहीं करते हो? कुछ नहीं कहें चिनार। सुना तुमने, तुम्हें मालूम है बच्चा कितना सेहतमंद है? घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, घबराने की क्या बात है, मैं होती कौन हूँ घबराने वाली? हमें तो शायद बच्चे की पैदाइश देखने का मौका भी ना मिले, लाले खुद ही पैदा कर लेगी और खुद ही परवरिश भी कर लेगी। लाले तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पहले मैं तुम्हें अम्मी के पास ले चलता हूँ, फिर हम एक साथ कंपनी चलेंगे। चिनार हम शाम में मिलते हैं। लाले तुम उदास मत हो, डॉक्टर कह तो रहा है कि हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, और अगर तुम अब भी खत के बारे में सोच रही हो तो मैं उसे देख लूंगा, वादा करता हूँ। प्लीज बस तुम उदास ना हो, ठीक है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो घबराओ मत लाले, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। ओके, तो फिर शाम में मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है। बेटे देखो तुम्हारे अंकल भी तुम्हें दुआ कह रहे हैं। उनको मेरा शुक्रिया कहें। सलाम कह रहा है नजीब, मैंने बेबी का रिकॉर्ड ले लिया है, शाम को जब तुम घर वापस आओगे
तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है? अम्मी, आप लाले के हवाले से इस तरह की बातें ना किया करें। यह अच्छी बात नहीं अम्मी, आप उसे हमेशा हर्ट करती हैं। और आप जब भी उसे उदास करती हैं अम्मी, तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है, और मैं इसलिए कसूरवार हूँ कि मैं उसे टोकती हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? अम्मी, वो अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखेगी? जरूर रखेगी। आप हमेशा एक ही बात करती हैं। आपने देखा कि मिसेस जमरूद कभी भी ऐसी बात नहीं करती जिससे हम उदास हों, लेकिन आप वो बात करती हैं। आप उनसे कुछ सीख सकती हैं अम्मी। आफरीन हो, आफरीन, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। तुम मेरा मवाजना उस फैशन ज़दा औरत जमरूद से कर रहे हो। वो औरत ममता के बारे में कुछ जानती भी है? क्या उसने अपने बच्चे पाले थे? अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा ये मतलब नहीं। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब, मगर बहरहाल ये तो है कि तश्करान फैमिली को दाद देनी चाहिए। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें जन्म दिया और वो लोग कितनी आसानी से तुम्हें उड़ा ले गए। जी, आप कौन हैं जनाब? रिटायर्ड हेड पुलिस ऑफिसर हालू कंसीवर। अंदर आइए। थैंक यू। खुशामदीद मिस्टर हालत। हेलो, मैं लाले हूँ, चिनार की बीवी। अच्छा, तो तुम इस घर की बहू हो? जी बिल्कुल। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। हेलो, कैसे हो मेरे दोस्त? काफी अरसा हो गया तुम्हारी शक्ल देखे हुए। कैसे हो तुम? ठीक ठाक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी अच्छे दिख रहे हो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ ड्राइंग रूम में चलते। चलो। जमरूद मैडम, मिस्टर नजीब के एक मेहमान आए हैं। नजीब के मेहमान? कौन है वो? उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। शुक्रिया। तुम बहुत बेवफा हो गए हो दोस्त। तुम यहाँ अक्सर आया करते थे और हम सब मिलकर पुराने दिनों को याद किया करते थे। हेलो, खुशामदीद हालुक अंकल, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? अल्लाह का शुक्र है। आप मेरी लाले से मिले? हाँ, मिल लिया मैंने उसे। चिनार ने आपको मेरे बाबा की सानिया के बारे में बताया होगा? हाँ, थोड़ा बहुत। आज सुबह एक हैरत अंगेज बात हुई। आज सुबह एक अजीब बात हुई, हम उसी की बात कर रहे थे और मैं आपको फोन करने ही वाला था। अच्छा हुआ आप खुद आ गए। तो आपको इस बारे में कुछ पता लगा? सुनो, इस तरह की खुदकुशी के केस में तुम्हें पता है कि कोई भी सुराग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मेरा मतलब ये है कि किस बात ने बंदे को खुदकुशी पे उकसाया। हम लोग सच में कोशिश कर रहे हैं। मुझे घर के दूसरे लोगों से भी बात करनी है। वेलकम मिस्टर हलो, मैं जमरूद तश्करान हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती थी। तुमने मुझे नीचे चुप क्यों करवा दिया चिनार? तुमने मुझे खत के बारे में बात करने क्यों नहीं दी? लाले, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम इस बात का पता लगाना चाहती हो, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि खत में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। क्या हम लोग उस बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे? अब तो हमारे पास एक सबूत भी है, लेकिन तुम ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लाले, उसमें लिखा है कि तुम्हारे डैड का कातिल हमारे करीब ही है। इस बात को खुलेआम कैसे करें? हमें ये चाहिए कि हलुक अंकल से हम ये बात अकेले में करें। मुझे नहीं पता चिनार, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। पता नहीं मिस्टर हालुक पर भी भरोसा करना चाहिए या नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। फिर तुमने ये बात क्यों की? मैंने देखा है कि अंकल और मिस्टर हालुक कंपनी में बातें कर रहे थे। उन्होंने अंकल के रूम में बातचीत की थी। ये तो नॉर्मल सी बात है, दोनों पुराने दोस्त हैं। मगर मिस्टर हालुक उनको इस तरीके से खुशामदीद कर रहे थे जैसे एक लंबे अरसे से उन दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई हो। दोनों एक दूसरे के गले भी लगे चिनार। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जैसे सुबह कंपनी में उन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसा किस लिए करेंगे? पता नहीं, मैं बस ये जानती हूँ कि अब मैं किसी पर भी चाह कर भी भरोसा नहीं कर सकती। लाले,
क्या तुम ये कह रही हो कि मैं अपने अंकल पे शक करूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे अंकल का तुम्हारे डैड के कत्ल से क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं पता चिनार, सच में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मगर अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं तो उन लोगों का रवैया ऐसा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं अपने अंकल से बात करूंगा, यकीनन उनको इस बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा। मुझे नहीं पता कि अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं क्या कर सकती थी। मेरे अपने जो करीबी हैं उन पर से भी भरोसा उठ गया है। तुम वाहिद हस्ती हो जिस पर भरोसा है मुझे, मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो तुम। बहुत चाहती हूँ तुम्हें। लाओ दो, अल्लाह ताला तुम लोगों पर रहमत करे। गुड लक मिसेज इकबाल। अम्मी आप उदास मत हो, दिल तोड़ना बहुत आसान होता है मेरे बच्चे, जोड़ना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचता हूँ। अंकल आपसे एक सवाल है। हाँ पूछो। लाले ने आपको कंपनी में हालुक अंकल के साथ देखा तो आपने ऐसा जाहिर किया जैसे अरसे से एक दूसरे से नहीं मिले। मैंने लाले से कहा कि उसे गलत फहमी हुई है, पर मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। मिसेस ब्राइड ने बिल्कुल सही कहा है। तो आपने ऐसी बात की ही क्यों? कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? हाँ ऐसा है चनार। हेलो, को पता चल गया है कि मिस्टर कमाल ने क्यों खुदकुशी की थी। लेकिन कल रात तो चिनार, मेरे लिए रुको प्लीज। सुबह सवेरे उठना मुश्किल होता है। वैसे मुझे मुश्किल काम करना पसंद है, मगर आप भी ठीक कहते हैं, मैं अच्छी तरह सो ही नहीं सकी। हम लोग साथ कंपनी जा रहे हैं, है ना चिनार? हम लोग कंपनी में बात कर लेंगे, मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। ठीक है। चिनार, मुझे आप ही का इंतजार था। हालुक ने ये दिए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूं। ओ मेरे अल्लाह, उस गरीब को अपनी बीवी की असलियत का पता चल गया था, यही वजह थी कि उसने खुदकुशी कर ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं भी सकते में आ गया था। हालुक जब मुझे बता रहा था तो मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। अब तुम बताओ मैं क्या करता? मैं सब लाले को कैसे बताता कि इसकी बहन ने हाल ही में खुदकुशी की थी, फिर वो उम्मीद से भी है। मेरी तो समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस आजगी। ओह मिस यास्मीन, तुम वाकई इस कदर मसरूफ हो कि मेरे पास कपड़े लाना भूल गई? हाँ मुझे रिफ्रेश होने की जरूरत है, पहले मैं एक कप कॉफी पीऊंगी उसके बाद कपड़े लेके आऊंगी। सुनो यास्मीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम मेरे हवाले को इस्तेमाल करोगी और कुछ नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, और अगर तुम वाकई में कुछ अच्छा करना चाहती हो तो अभी शुरू हो जाओ। मेरी बात समझी तुम?
मुझे लाले को ये बात बतानी होगी। मुझे खुशी है कि हम मुत्तफिक हो गए। उसे अपसेट करने का कोई मतलब नहीं है। बस उससे कहेंगे कि हालुक अभी तहकीकात में लगा हुआ है, उसे अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। अंकल, इस दौरान मैं लाले को मसरूफ रखना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी सुबह वाली बात बुरी नहीं लगी। इससे पहले इसका ख्याल भी नामुमकिन था। इस बात को राज रखने का शुक्रिया। तुम्हारी फैमिली मेरी भी फैमिली है। मेरे बच्चे हमने इसे हर पहलू से कबूल किया है। हेलो चिनार सर, मिस यास्मीन आई हैं। ठीक है, उसे भेज दो। आओ यास्मीन। चिनार, क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो, बात क्या है? क्या हम वन ऑन वन बात कर सकते हैं? किस बारे में? मेरी जॉब। ये बात तीनों के दरमियान होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं यहाँ पर इधर की चीजें उधर रखने के लिए हायर की गई हूँ? हालांकि सब जानते हैं कि मैंने फैशन डिजाइनिंग की तालीम बैरून मुल्क से हासिल की है, और यहाँ पर मौजूद हर किसी के मुकाबले में मेरी काबिलियत सबसे ज्यादा है। फिर भी यहाँ काम करने वाले मुझे ऐसे ट्रीट करें जैसे मैं कोई मामूली नौकर हूँ। तुम अभी तक कच्ची उम्र की हो, तुम्हें नहीं कहना चाहिए कि तुम मैच्योर हो गई हो। तालीम से कतई नजर तुम्हारे पास तजुर्बा होना चाहिए। अगर लोगों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है तो तुम्हें जॉब छोड़ने की आजादी है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही जाने वाली हूँ। अच्छी बात है, तो फिर जाओ और काम करो। मिसेज उज़्गी जो कहती हैं वो करो। ठीक है, पर मुझे यहाँ लोग मिस तो बुला सकते हैं ना? यास्मीन, मिसेज उज़्गी तुम्हें जैसे चाहें बुला सकती हैं। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा मशवरा है। तुम्हें मिसेज उज़्गी के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने होंगे, क्योंकि इस कंपनी में तुम्हारे प्रमोट होने के लिए उनका तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। All right. Okay, good luck. मैं शर्त लगाता हूँ, सिर्फ एक हफ्ता। इंशाल्लाह। मिसेज गी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ लाले। हेलो डार्लिंग। जी मेरी जान। तुमने कॉल नहीं की, मैं परेशान थी। बात हुई अंकल से? हाँ बात की है। हालुक अंकल हमारी कंपनी के लिए खास सिचुएशन की तलाश में है। अंकल मुझे और कुछ नहीं बता रहे। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे डैड के हवाले से नहीं है, तुम परेशान मत हो। ओके हनी। क्या हम बाद में बात करें? मेरा एक मेहमान आने वाला है। ऑफ कोर्स, ख्याल रखना। थैंक यू। तो मुझे बताओ बेटा। वो कंपनी से मुतालिक बातें थी, मेरे पापा से मुतालिक नहीं। प्लीज। शुक्रिया अंकल। इंजॉय करो बेटा। मैं कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, मगर तुम्हारे डैड की एक नोटबुक थी, उसमें वो अपनी सारी बातें लिखा करते थे जिनका किसी को नहीं पता। तुम उसे तलाश करो। उस्मान अंकल, मैंने कंपनी की नोटबुक में सारी तफसीलात देख ली मगर मुझे कुछ नहीं मिला। बेटा कंपनी की नोटबुक की बात नहीं कर रहा, वो नोटबुक ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ कोई भी पहुँच जाए। तो फिर वो उसे कहाँ रखते थे? बेटा जब वो जिंदा थे तो वो बुक उनके पास होती थी हर वक्त किसी सेफ में। हमारे घर में तो कोई सेफ ही नहीं है उस्मान अंकल। जरूर होगी, जरूर। मुझे सही से पता नहीं कि वो कहाँ है, मगर तुम्हारे डैड उसके बारे में बताते थे।
खुश आमदीद लाले मैडम। क्या आप अपने कमरे में जा रही हैं? लाले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूर तुम अपने प्यारे डैड को मिस कर रही होगी, इसीलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ लाले, बताओ? कोई मसला नहीं है मॉम, मैं बस अपने बाबा की यादों के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओके डार्लिंग, बाद में मिलते हैं। सी यू। मिसेस अमरुद, लाले कहाँ है? आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, वो वर्किंग रूम में है। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ हो? तुम अपने शौहर को बगैर बताए यहाँ पे आ गई? चलो आओ नीचे चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर अपना काम कर लेना। चलो। चिनार, तुमने मिस्टर हालक से खत की बात की? अभी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, पहले हम खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ प्लीज चिनार। हाँ नहीं, मैं कल हालुक अंकल से मिलूंगा, क्योंकि आमने सामने बात करना बेहतर रहेगा। किस वक्त मुलाकात करोगे? दोपहर में। चिनार, जब बात करना उनसे तो मुझे फोन कर लेना, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उस खुदकुशी के पीछे आखिर जिम्मेदार है कौन। फिलहाल तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि क्या तुमने अपनी दवाई खा ली है? वो भूल गई। भूल गई? और तुम ये सब कुछ जानना भी चाहती हो? चलो चलकर खाना खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह मेरी प्यारी सी बच्ची, क्या उन लोगों ने तुम्हें थका दिया है? आप छोड़ेंगी थोड़ी, जान ही ले लेंगी मेरी। बोलिए क्या बोलना है? यकीनन कोई खास बात होगी तभी आप यहाँ तक आई हैं। मैं समझती हूँ कि कंपनी में चल क्या रहा है, ये तुमने जरूर नोट किया होगा। क्यों? ओके, तो मसला अब मैं समझ गई। आप मुझे जासूस बनाना चाहती हैं ना? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा, मगर आपको पता ही होगा कि जासूसी एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इससे कबल के आपको कोई नुकसान हो, इस चीज को जरूर मद्देनजर रखिएगा।